गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम करें करंट अफेयर 14 एंड 15 नवंबर 2022। तो करते हैं स्टार्ट। इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर का उद्घाटन हरियाणा में किया गया। कहाँ किया गया? ये हरियाणा में। वैश्विक उत्पादन में 41% के साथ बाजरा का प्रमुख उत्पादक देश बना है भारत। 2022 के श्री लाल शुक्त समर्ति इफ्को साहित्य सम्मान से जय नंदन को सम्मानित किया। किसे किया? जय नंदन को। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को बेंगलुरु में हरी झंडी दिखाई। कहाँ दिखाई है? बेंगलुरु में। किसको दिखाई है? वंदे मातरम एक्सप्रेस को, वंदे भारत एक्सप्रेस को। कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को तमिलनाडु में अधिसूचित किया। कहाँ किया है? तमिलनाडु में। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शिव नारायण चंद्रपाल को शामिल किया। किसे किया है? शिव नारायण चंद्रपाल को। क्योवेक्स एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत में आईआईटी बॉम्बे शीर्ष पर रही। सबसे ऊपर कौन रहा है? आईआईटी बॉम्बे। कहाँ पर रहा है? भारत में। 2024 में अंडर-19 वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा श्रीलंका। एशियन एयरगन चैंपियनशिप में मौली घोष ने गोल्ड मेडल जीता। किसने जीता है? मौली घोष ने गोल्ड मेडल। झारखंड में गरीब पिछड़े वर्गों के आरक्षण को 77% तक बढ़ाने के लिए विधेयक पारित किया गया। कबड्डी विश्व कप 2025 की मेजबानी ब्रिटेन करेगा। IBSA नेत्रहीन फुटबॉल महिला एशियाई चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी भारत करेगा। अमूर फाल्कन फेस्टिवल का 7वां संस्करण मणिपुर में मनाया गया। केरल में वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड जीता। किसने जीता है? केरल ने। श्लोक मुखर्जी ने गूगल 2022 के लिए डूडल जीता है। भोपाल रेलवे स्टेशन को 4-स्टार इट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला। आसियान पूर्वी तिमोर को संवैधानिक रूप से स्वीकार करने पर सहमत हुआ है। टेलर स्विफ्ट में MTV यूरोप म्यूजिक अवार्ड्स 2022 में 4 पुरस्कार जीते। 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली में शुरू हुआ। 2022 को आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में घोषित किया गया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। साथ ही बाकी की वीडियो के लिए गीता ठाकरान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।